जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं गांव में उखलहरे और गिंजाले की मदद से मसूर के जो बाद में कूटने के बाद दाने रह जाते हैं उन्हें निकाल रहा हूं और अपनी माता जी के साथ सहयोग कर रहा हूं। इसे हिंदी में ओखली भी बोलते हैं, ओखल भी बोलते हैं, खरल भी बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में मोटार बोलते हैं। और जो ये मेरे पास गिंजाला है इसे हम पाउंडर बोलते हैं। दोस्तों, ये गांव में बहुत सारे प्रयोगों में लिया जाता है। जैसे इससे हम मसाले भी पीस सकते हैं, कूट सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब शादियों के समय में हम अरसे बनाते हैं, जो उत्तराखंड की सबसे पारंपरिक एक डिश है, स्वीट डिश है, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये बहुत पुराने समय से ही प्रयोग में लाया जा रहा है। दोस्तों, सुश्रुत और चरक जैसे प्राचीन चिकित्सकों के द्वारा प्रयोग में किए जाने की वजह से इस आयुर्वेद का भी चिन्ह माना जाता है। इसे आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग लाया जाता था। फसल शब्द वास्तव में लातिनी भाषा के पिस्तिलम, जो लातिनी के ही पिंसेरे शब्द से संबंधित है। लातिनी में इसका अर्थ कुचलकर तोड़ना है, क्योंकि लातिनी और संस्कृत दोनों हिंदू यूरोपीय भाषाएं हैं। इसलिए यही शब्द सजातीय रूप में संस्कृत के पिन अस्ति शब्द में देखा जा सकता है, जिसका हिंदी रूप पीसना है। मारवाड़ी भाषा में ओखली को उकला तथा मूसल को सोबीला कहते हैं एवं पीसने की क्रिया को खोडना कहा जाता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।